पंजाब में भी कोख में हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यह वाकई बेहद गंभीर है। यही वजह है भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए वक्त वक्त पर सरकार की तरफ से कोशिश होती रहती है। इसी कड़ी में पटियाला के स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके चलते शहर भर के निजी अस्पतालों पर छापेमारी की गई और इसी छापेमारी में सामने आई भ्रूण हत्या की कड़वी हकीकत। पंजाब में भी कोख में कत्ल का सिलसिला लगातार जारी है। दबे पांव भ्रूण हत्या रूपी बीमारी फैलती जा रही है, लिहाजा चिंता की लकीरें सरकार के माथे पर भी दिखाई देती हैं। यही वजह है वक्त वक्त पर लिंग अनुपात में सुधार करने और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ऐसी ही एक मुहिम प्रदेश के पटियाला में भी सेहत विभाग ने चलाई है। इस मुहिम के तहत सेहत विभाग ने पटियाला शहर के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में छापेमारी की। सेहत विभाग की टीम ने जब शहर के निजी नर्सिंग होमों और निजी अस्पतालों का जायजा लिया तो कड़वी हकीकत सामने आ गई। सेहत विभाग की टीम ने पाया कि सरेआम पीएनडीटी एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के कई नर्सिंग होमों में अल्ट्रासाउंड का रिकॉर्ड ही गायब है। रजिस्टर में अल्ट्रासाउंड किए जाने वाले मरीजों की एंट्री ही नहीं है। ये नजारा साफ साफ प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। सेहत विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में शहर के एक नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महीने के लिए सील कर दिया। में दाज को रोकने के लिए हमने एक ये मुहिम शुरू की है, जिसमें हम लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि नो डाउरी के अंदर आए भी दाज लेना और देना। वैसे तो कानून भी जरूर है, लेकिन इसमें बच्चे बच्चियां खुद तैयार हों, क्योंकि यही वो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने समाज को बदलना है, जिनमें बदलने की शक्ति है। और इन्हीं से हमें उम्मीद है कि दुनिया में जितनी भी तब्दीली हुई है वो सब जवानों के हाथ से हुई है, तो ये हम दोनों को बहुत उम्मीद है। ये तो महज एक नर्सिंग होम का नजारा था, जिसे सेहत विभाग की टीम ने सील कर दिया। अगर सेहत विभाग इस दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसे ये मुहिम जारी रखनी होगी। और शहर के बाकी नर्सिंग होमों की भी जांच करनी होगी, ताकि कोख में कत्ल का ये सिलसिला रोका जा सके। तेजिंदर सिद्धू MH1 न्यूज़ पटियाला।